नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं एमटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एक ही एप्लीकेशन की मदद से कई सारे फायदे उठा सकते हैं, जैसे कि किसी के भी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। अगर आपके मोबाइल पर कोई व्यक्ति फोन करता है तो उसका नाम भी अलाउंसर करवा सकते हैं और साथ में उस व्यक्ति का फोटो भी आ जाएगा। और एक फायदा और गजब का है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो भी आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जला सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इतने सारे फायदे एक ही एप्लीकेशन की मदद से उठाना चाहते हैं तो फिर आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति है तो आप इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अब आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं उस एप्लीकेशन की ओर और सीख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे और कहां से इंस्टॉल करना है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद यहां से हम लोगों को अपने स्क्रीन को स्लाइडिंग करते जाना है और इसके बाद यहां से अलाउ परमिशन दे देना है। इसके बाद फिर से हम लोगों को बैक आ जाना है और यहां से स्लाइडिंग करते जाना है। यहां से फिर से अलाउ परमिशन दे देना है और फिर बैक आ जाना है और फिर से स्लाइडिंग करना है और इसके बाद यहां से ओके कर देना है और इसके बाद फिर स्लाइडिंग करना है। इसके बाद फिर से यहां से अलाउ परमिशन दे देना है और इसके बाद सबसे लास्ट में यहां पर टिक लगा देना है और इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद हम लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट का, हिस्ट्री का, सेटिंग का और मोर ऐप्स का। तो सबसे पहले हम लोग इस एप्लीकेशन के सेटिंग में चलते हैं और जब सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सेट रिंगटोन का, कॉल ब्लॉक का, फ्लैश ऑन कॉल का, कॉल नेम अलाउंसर का और शॉर्टकट का। तो अगर आप किसी के भी नंबर पर कोई प्राइवेट रिंगटोन रखना चाहते हैं तो सिंपली सेट रिंगटोन पर क्लिक करना होगा और यहाँ हम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट का और कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट से हम किसी के भी नंबर पर अपने मनपसंद का रिंगटोन सेट कर सकते हैं ताकि जब भी वो व्यक्ति फ़ोन करेगा तो वो रिंगटोन बजेगा और हम लोग समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति ने अभी कॉल किया है। उसके बाद यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो डिफ़ॉल्ट से हम अपने मोबाइल के गैलरी से कोई भी रिंगटोन को सारे कॉलर पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है कॉल ब्लॉक का। तो अगर हम लोगों को किसी के भी मोबाइल नंबर को ब्लॉक करना होगा तो सिंपली कॉल ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और यहां से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर हम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है, प्लस का और एक है फोन बुक का। तो चलिए बैक आते हैं और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर उस व्यक्ति का नंबर डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान कर रहा है तो सिंपली आप उसके नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश ऑन कॉल का। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कॉल या मैसेज आए तो मेरे मोबाइल का फ्लैश भी साथ में जलने लगे तो सिंपली हम लोगों को फ्लैश ऑन कॉल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है, इनकमिंग कॉल का और मैसेज का। हम लोग दोनों में अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जला सकते हैं। अगर कॉल पर सेट करना होगा तो यहाँ पर डीएक्टिव पर क्लिक करना होगा। इसका ये एक्टिव हो चुका है, अब जब भी मेरे मोबाइल पर फोन आएगा तो ये फ्लैश लाइट जलने लगेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिल जाता है मैसेज का। तो यहाँ से हम इस मैसेज पर भी सेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों के मोबाइल पर कोई मैसेज आएगा तो मेरे मोबाइल का फ्लैश लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बैक आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है कॉल नेम अलाउंसर का। तो अगर कोई व्यक्ति फ़ोन करता है तो इस एप्लीकेशन की मदद से हम लोगों का मोबाइल उसका नाम अलाउंसर करने लगेगा। सिंपली हम लोगों को कॉल नेम अलाउंसर पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को चार ऑप्शन मिल जाता है,
कॉल सेटिंग का, एसएमएस सेटिंग का, ऑडियो सेटिंग का और मोर ऐप्स का। तो अगर हम लोगों को कॉलर नेम अलाउंसर सेट करना है तो कॉल सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पीक कॉलर नेम, तो इस पर क्लिक करना होगा। रिपीट मोड भी लगा सकते हैं, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए बैक आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधे बैक आ जाना है। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों को सीधा चलना है स्टार्ट पर, और स्टार्ट पर जाने के बाद हम लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाता है, सेट डिफ़ॉल्ट फोन ऐप्स। तो अगर आपके मोबाइल में ये ऑन नहीं होगा तो सिंपली ऑन कर लीजिएगा। अभी मेरे मोबाइल में ऑन है तो ऑन ही रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे एक चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम अपने किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगाना हो तो वो सिंपली यहाँ से कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे, और नंबर सेलेक्ट करने के बाद इस डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ आप लोगों को कोई इमेज पसंद ना आए तो नीचे चूज फ्रॉम गैलरी का भी ऑप्शन दिए हुआ है, जिसके मार्फत हम अपने मोबाइल के गैलरी से भी किसी भी व्यक्ति के फोन कॉन्टैक्ट के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति जब भी कॉल करे तो उसके बैकग्राउंड में वही इमेज आ जाएगा। आप उस व्यक्ति के फोटो को भी उसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक इमेज को सेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। चूज फ्रॉम गैलरी से कोई एक इमेज लेंगे। चलिए मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्रॉप नहीं करने वाला हूँ, और ऊपर डन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस शेड को कट कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर नीचे आइएगा तो वो फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली हम लोगों को इस फोटो पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस तरह से किसी भी व्यक्ति के फोन कॉन्टैक्ट के बैकग्राउंड में उसके इमेज को लगा सकते हैं, या उस व्यक्ति का इमेज हो या किसी और व्यक्ति का इमेज हो। तो जब आपके मोबाइल पर फोन आएगा तो सिंपली इसी तरह से आपके मोबाइल पर फोन आएगा। तो चलिए बैक आते हैं। उसके बाद इस थीम्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस व्यक्ति का जब भी फोन आएगा तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और कोई दूसरा बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं तो सबसे नीचे अप्लाई थीम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करके हम लोग किसी और फोटो को सेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे भी फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई एक अच्छी सी लड़की का फोटो लग जाए, ताकि मेरे मोबाइल पर जब भी फोन आए तो मेरे कलर बैकग्राउंड में एक लड़की का ही इमेज हो, ताकि मेरे दोस्त लोग देखें तो वो भी चौंक जाए कि इसके मोबाइल पर किसी लड़की की फ़ोन आ रही है, तो आप लोग सिंपली इस एप्लीकेशन की मदद से किसी के भी फ़ोन के बैकग्राउंड में किसी भी लड़की के इमेज को लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।